बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकवी गर्ल्स। गाइस, फाइनली रावी लवर्स के लिए खुशखबरी आ गई है। रावी को रिप्लेस कर दिया है सुजुकी ने। इसके साथ साथ गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात आपको इस वीडियो में हम देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो गाइस, सुजुकी रावी रिप्लेस हो चुकी है। इसके साथ साथ गाड़ी के साइज़ को भी बढ़ा दिया है सुजुकी ने। पाकिस्तानी ऑटो मार्केट में बढ़िया कंपटीशन जा रहा है, तो इस वजह से सुजुकी ने भी अपनी वेरिएंट में कुछ तब्दीलियां की हैं और गाड़ी को मज़ीद बेहतर बनाया है। तो गाड़ी के एक्सटीरियर के हवाले से बात करेंगे। गाड़ी का एक्सटीरियर आपको देखने को टोयोटा हाईएस जैसा मिल जाता है। इसके साथ साथ गाड़ी के हेडलाइट्स की साइज़ को भी सुजुकी ने बड़ा कर दिया है। ऑल ओवर लुक देखा जाए तो पुरानी पिकअप से आपको गाड़ी लुक अच्छा दे रही है टायर्स के हवाले से। इसके साथ साथ बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर गाड़ी का बहुत सुजुकी ने अच्छा दिया है, न्यू डिज़ाइन में दिया है। बात करेंगे फीचर्स की, तो गाड़ी में फीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। इसके साथ साथ एसी, हीटर, ऑडियो सिस्टम आपको गाड़ी में इंस्टॉल मिल जाता है। बात करेंगे गाड़ी की इंजन की, तो गाड़ी में इंजन साइज़ को वो सुजुकी ने थोड़ा बढ़ा दिया है। पहले वाली में 660 सीसी होता था इंजन, तो इस गाड़ी में सुजुकी ने इसको रिप्लेस कर दिया है। बॉडी के हिसाब से इसमें आपको इंजन मिल जाता है 800 सीसी और हॉर्स पावर 96 के साथ, NM 135, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इंजन आपको गाड़ी में मिल जाता है। इसके साथ साथ गाड़ी के स्पीड मीटर के हवाले से बात की जाए तो वो भी आपको मैनुअली मिल जाता है। डैशबोर्ड में आपको कप रखने की जगह मिल जाती है। इसके साथ साथ बात करेंगे गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के हवाले से, तो गाड़ी में आपको दो सीट बेल्ट मिल जाते हैं। इसके साथ साथ गाड़ी में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। और पिकअप के लोड के हवाले से बात की जाए तो पहले वाली रावी से काफ़ी अच्छा खासा वज़न इसमें आप उठा सकते हैं। और गाड़ी की एक जो ख़ास बात है वो है फ्यूल एवरेज। सुजुकी ने इस पर बड़ा काम किया है। गाड़ी हाईवे पर आपको दे रही है लोड के साथ तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर एवरेज दे रही है, जो कि एक अच्छा एवरेज है। और सिटी की बात की जाए तो सिटी में आपको गाड़ी 16 से 17 एवरेज दे रही है एसी के साथ। इसके साथ साथ बात की जाए गाड़ी की डिज़ाइनिंग की, तो गाड़ी पहले वाली रावी से बिल्कुल आपको अच्छा लुक दे रही है। बिल्कुल डिज़ाइनिंग अच्छी की गई है गाड़ी की। और आपको सुजुकी रावी कैसी लगी न्यू डिज़ाइन के साथ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें दे इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।